स्त्रियों को लेकर द्रौपदी ने भगवान कृष्णा को बताई थी चार बातें। स्त्रियां जान ले होगा बेहद फायदा। महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री द्रौपदी को माना जाता है। द्रौपदी काफी समझदार थी, इसी वजह से उन्होंने 5 पांडवों के साथ शादी करने के बाद भी किसी को कम प्रेम नहीं किया था। वे सभी को बराबर का समय देती थी और सभी के प्रति आदर भाव रखती थी। द्रौपदी में ऐसे बहुत सारे गुण थे जो आपको किसी दूसरी महिला में देखने को नहीं मिलेंगे। द्रौपदी ने संसार की सभी स्त्रियों के लिए 4 ऐसी बातें बताई हैं जो हर स्त्री को अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी है ये बातें। एक, पहली बात जो द्रौपदी ने बताई है वे है कि किसी भी स्त्री को छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई स्त्री छोटी सोच रखती है तो उसके घर में बरकत नहीं होती है। उसे अपने और अपने ससुराल के सभी लोगों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। अगर सामने वाला कोई गलत बात कहता है तो स्त्री को उसे अनसुना करके उससे नम्रता से पेश आना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि स्त्री को कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। दो, द्रौपदी ने दूसरी बात कही है कि जो स्त्री सच्ची होती है उसे दूसरी बुरी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस स्त्री को बुरे पुरुषों से भी दूर रहना चाहिए। अगर वह बुरे लोगों की संगति में आ जाती है तो वे उनकी तरह सोचने लग जाती है और जिससे वे अपने परिवार को बर्बाद कर देती है। 3, अगली बात द्रौपदी ने कही है कि एक स्त्री के लिए उसका पति सब कुछ होता है। जब किसी स्त्री की शादी हो जाती है तो वह अपने पति के साथ हर एक बंधन में बंध जाती है। इस बीच अगर उनकी जिंदगी में कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपने पति का साथ देना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री वही होती है जो हर मुश्किल घड़ी में अपने पति के साथ खड़ी रहे और उसकी हर आज्ञा का पालन करे। 4, अधिकतर स्त्रियों की आदत होती है कि वे अपने घर की हर बात को बाहर वालों से शेयर करती है, जबकि द्रौपदी ने कहा है कि स्त्री को कभी भी अपने घर की कोई भी बात किसी बाहर वाले से नहीं बतानी चाहिए। अगर स्त्री अपने घर की बात किसी तीसरे को बताती है तो इससे उसे उनके घर की पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए स्त्री को कभी भी अपने घर के भेद किसी को नहीं बताने चाहिए। स्त्रियों की आदत होती है कि वे कोई भी बात ज्यादा देर अपने पेट में पचा नहीं पाती है और ऐसे में फिर उन्हें जो मिलता है उसके साथ अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देती है।